ये नहीं कौन सी मुसीबत है? मोंटू, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। तेरे अलावा हमारी जिंदगी में एक और मुसीबत आ गई है। बिजली मानव को वो तीन बच्चों की तलाश है जिन्होंने बिजली गोला रोकने की कोशिश की थी। ये कौन से तीन बच्चों की बात कर रहा है? मोंटू बॉस, कहीं इस पे आपका तो हाथ नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो तो तीन बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अरे सलोनी, जरा मोंटू को गौर से देख, वो तीन के बराबर ही दिखता है। पता नहीं अबे बिजली मानव क्या करेगा। बिजली मानव को रोकने की गलती की है। बिजली मानव तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। सलोनी, होश में आओ जल्दी। धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। थैंक यू। क्या बात सखी, तुम भी तो हमें हमेशा बचाते हो। अरे आज मोंटू ने हमें बचाया। मोंटू यार रियली कूल 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 कूल। बिजली मानव पर पानी डालकर बिजली मानव के सर्किट खराब करने की कोशिश की। अब बिजली मानव इन्हें बताएगा कि बिजली मानव के कारण से कितना बड़ा शॉक लग सकता है। बहुत हो गया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बिजली मानव, पर सगी तुम तीनों बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बिजली मानव जितने नहीं। तुम तीनों बिजली मानव की बिजली तरंगों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। तुम्हारी जैसी कई बुरी शक्तियों का घमंड हमने तोड़ा है और आज तुम्हारा भी तोड़ेंगे।
मानव। बिजली मानव की तरंगें कमजोर क्यों पड़ रही हैं? बिजली मानव के अंदर की बिजली खत्म हो रही है। हमें उससे अपने ऊपर भार करवाकर उसके अंदर की बिजली को भी समाप्त करना होगा, ताकि वो एकदम कमजोर हो जाए। अगर तुम उस बिजली गोले को बाहर से नष्ट करोगे तो उसके अंदर से इतना करंट निकलेगा कि हमारा पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। तो फिर उस बिजली गोले को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? बिजली गोले को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसके अंदर जाना होगा और उसके अंदर जाकर तुम्हें ये करंट डिफ्यूजर उसके अंदर फिट करना होगा। छोटे से डिफ्यूजर से क्या होगा? ये दिखता छोटा है बालवीर, पर इसके अंदर कई हजार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने की पावर है। जब तुम बिजली गोले को नष्ट करोगे तो उसके अंदर से जितना करंट निकलेगा ये सब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा शहर जलने से बच जाएगा। लेकिन बालवीर, लेकिन क्या? उस बिजली गोले में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस बिजली के गोले के अंदर जाना होगा, तभी मैं इसकी विद्युत शक्ति को सह पाऊंगा। हम तुम्हें दोबारा रिचार्ज होने का मौका ही नहीं देंगे। बिजली मानव खतरे में, बिजली मानव को अपनी रिजर्व तरंगों का इस्तेमाल करना होगा। ये बताना चाहता हूं कि हर बार की तरह एक स्टूडेंट फिर से वही सेम टू सेम रिजल्ट लेकर आया है जो वो हर बार लेकर आता है। क्या आपको पता है कि वो स्टूडेंट कौन है? सर, मानवेर। मानवेर। हाँ, मानवेर। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम है मोंटू।
हमेशा की तरह इस बार भी फिर से मोंटू नीचे से फंस आया है। हर बार की तरह हमारे स्कूल के टॉपर है मेहर और मानव। सही बात है, क्योंकि मोंटू बस तो गधे, और गधे की कितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? क्या मतलब है बॉस? ये रोहित आपको गधा कैसे कह सकता है? आप तो हाथी हो ना? और इसीलिए हमने तय किया है कि इस बार हम मेहर और मानव को उनके सर्टिफिकेट्स के साथ प्राइस के तौर पर एक साइंस फ्रेंड भी देंगे, ताकि उसकी मदद से वो हमारी स्कूल के लिए और भी कॉम्पिटिशन जीत सके। मेहर, ये साइंस फ्रेंड क्या होगा? पता नहीं माना, शायद लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई साइंस की बुक होगी। तो ये है वो साइंस फ्रेंड। तुम्हारा नया फ्रेंड एक रोबो है। मानव, मैर, आगे आओ। नीचे से ही सही, पर फर्स्ट तो आया हो ना सर, तो इतना बड़ा नहीं, पर छोटा मोटा तो रोबोट दे देते। शट अप। मानव मैर, इस रोबो की खासियत यह है कि ये बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करता है। हर सब्जेक्ट के हर सवाल का जवाब है इसके पास। ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, सब के सब तेज बुद्धि वाले बच्चे, सब के सब पढ़ाई में एक नंबर। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का दिमाग यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं जान दे दी, तुम फिर से कोई नया बहाना बना के सोच सौ जैसे सुपर कंप्यूटर को बनाना तुम जैसे बेकार आविष्कारक के बस की बात नहीं। नहीं, नहीं, मैं देश के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बच्चों का दिमाग उनकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। मैं तो चंदिका, तुमने बहुत गलत काम किया इन बच्चों को यहाँ कैद करके, बहुत गलत किया तुमने। अरे, हम तो बस बच्चों के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर तुमने तो कहा था ना, इससे किसी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम बच्चों के दिमाग को इस्तेमाल करने की आज्ञा मांगोगे और वो तुम्हें अनुमति दे देगी? याद है तुम्हें कई साल पहले तुमने उनसे अनुमति मांगी थी और उन लोगों ने तुम्हें पागल करार कर दिया। बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करने का बस यही एक सही तरीका है। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जाओ और भूल जाओ कि तुम कभी अपना सोच सौ दोबारा बना पाओगे। जाओ
लौट जाओ उस पागल खाने में और हंसने दो दुनिया को किसी पागल की तरह, वरना देखो बच्चे सामने हैं, कर लो इनके दिमाग का इस्तेमाल और साबित कर दो तुम कोई पागल नहीं हो, तुम सच में एक बहुत बड़े आविष्कार हो। बालवीर बालवीर तू भी कुछ करो, अब इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनसे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इनको प्यार से काबू में रखना होगा वरना इनकी दिमागी हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी निशान करता हूँ। मस्तिष्क दुनिया को दिखा देगा कि उसका दिमाग, उसका सोच सौ, उसका सोच हजार दुनिया में सबसे तेज है, सबसे शक्तिशाली है। तो देर किस बात की, शुरू हो जा। एक बार सोच हजार बन गया तो उसे मैं भी जान जाऊंगी तुम्हें समाप्त करने का तरीका बालवीर। थैंक्स बालवीर, तुम समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब ये भगदड़ मची कैसे, कैसे ये सारे के सारे एक साथ अपने कमरे से बाहर आ गए? पता नहीं बालवीर कैसे सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, हम में से तो किसी ने खोला भी नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मैंने सारे पेशेंट चेक कर लिए हैं, बट एक पेशेंट मिसिंग है। कौन सा पेशेंट? नंबर 32। 32? वो तो मस्तिष्क का नंबर है। ये मस्तिष्क कौन है? मस्तिष्क एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, पर एक अजीब सी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सोच सौ, बड़ा अजीब सा तरीका था उसका सोचने का। अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के दिमाग का यूज करके वो एक सुपर कंप्यूटर बनाना चाहता था जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब हो। इसकी वजह से वो उतना जुनूनी हो चुका था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। तब से वो इसी पागलखाने के एक सेपरेट वार्ड में रखा गया है। बालवीर, ये मस्तिष्क पर इंटेलिजेंट बच्चों का गायब होना, कहीं ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है? हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हमें मस्तिष्क के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है? जरूर बालवीर, हमारे रिकॉर्ड रूम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये है इसकी मैनुअल बुक, इसमें स्पष्ट लिखा है ये रसोई के सारे काम कर सकता है, जूस निकाल सकता है, आटा गूंद सकता है, मसाले भी कूट सकता है। अच्छा, तो मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। अरे अब मुझसे सब्जी कटवाओगे क्या? कहाँ डालना है? उधर अरे रोबो में जो ऊपर जो है ना, स्क्वायर ऊपर, हाँ वहाँ डाल दी। डालो डालो, हाँ डाल, इसमें करेक्ट वहाँ से डालो, सर अंदर। महेश, मैंने सब्जी डाल दी, इसे काटने के लिए कह दो। बाबूजी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा रोबो तो है लेकिन इसके कान कहाँ है? महेश, सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी सॉरी। किया भाई, किया। स्मिता ने जो सब्जियां डाली है ना, उसे
अच्छे से बढ़िया काट के जल्दी बाहर भेज। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मस्तिष्क, तुम्हारा ये कंप्यूटर सोचा सार कुछ करेगा या बस अपने नाम की तरह सोचता रहेगा? दरअसल मैंने ही करती है, जो मैंने तुम पर विश्वास कर दिया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये सुपर कंप्यूटर किसी काम का है। खबरदार, अगर मेरे सोच के बारे में कुछ भी गलत बोला तो ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसे बनाया है, मैंने। ये गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये गलत। ये सब कुछ कर सकता है, हर सवाल का जवाब है इसके पास। ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये छोटी सी मुश्किल का तो हल नहीं है इसके पास। बात पूरी साफ हो गई है। बालवीर का दिमाग तुम्हारे इस कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा तेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। जवाब जरूर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा समय दो। बालवीर के दिमाग की सोच के आगे तुम्हारा ये कंप्यूटर एक छोटे मामूली बच्चे के दिमाग की तरह है, जिसे तुमने अपने ही तरह बहाने बनाना सिखा दिया है। मेरा कंप्यूटर बालवीर क्या किसी को भी मार नहीं सकता है, पर इसके लिए सोच हजार को सोच 50,000 में अपग्रेड करना पड़ेगा। पर ये होगा कैसे? हा? उसके लिए मुझे पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट और सुपर पावर बच्चे का दिमाग चाहिए। एक बार वो लग गया मेरे सोच हजार के साथ, तो मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर की दिमाग की शक्ति बालवीर के दिमाग की शक्ति से ज्यादा तेज हो जाएगी। ऐसे एक तेज दिमागी शक्ति वाले बच्चे को मैं जानती हूँ, पर वो बच्चा मुझे मिलेगा कहाँ? तुम्हारा ये कंप्यूटर बता सकता है? हाँ, बता सकता है। रोहित, आज बारिश में भीग के बहुत मजा आया। हाँ मोंटू, बस एक चीज की कमी रह गई। हा? आपने वो अपने सूंड में पानी लेके उछाला नहीं, वरना और भी मजा आता। मजा तो तब आता जब मोनिका मेरे साथ बारिश का मजा लेती। फिर तो मोंटूबॉस आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मोंटूबॉस, मैंने कल ही पलक और मोनिका की बातें सुनी। मोनिका वो बारिश में नहीं भीगेगी, वरना उसकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे, कीचड़ से उसके जूते खराब हो जाएंगे। पर मोंटूबॉस, मोनिका को बारिश बहुत पसंद है। मोनिका को बारिश पसंद है ना, तो वो बारिश का मजा जरूर लेगी। बस अब तू देखते जा मैं क्या करता हूं। बाल सखी, बाल सखी, परछाई किसकी थी?
ये जरूर कोई माया जाल है, क्योंकि एक पल परछाई दिखती है और दूसरे ही पल गायब हो जाती है। मुझे सावधान रहना होगा। गौर से देखो, तुम्हारा साथी योद्धा मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। बचा सकते हो तो बचा लो। मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा आविष्कार पूरा हो गया प्रचंडिका। अब सबको मानना पड़ेगा कि मस्तिष्क बेस्ट है बेस्ट। थैंक यू प्रचंडिका, तुम्हारी वजह से मेरे कंप्यूटर सोच का दिमाग बालवीर के दिमाग से तेज दौड़ेगा। और दुनिया मस्तिष्क के सामने सर झुकाएगी। झुके हुए सर प्रचंडिका को बहुत अच्छे लगते हैं। मस्तिष्क प्रचंडिका सिर्फ बातों से खुश नहीं होती। दिखाओ मुझे जो तुम कह रहे हो वो सच है। हाँ, आओ तुम इस कुर्सी पे बैठो, क्योंकि इस कुर्सी पे जो बैठेगा वो उसी के सवाल का जवाब देगा। बहुत ये आपका जो साइकिल के पीछे छाता लेके भागने वाला प्लान था ना, एकदम करेले की सब्जी की तरह बेकार था। चुप कर, ना साइकिल वाला आइडिया एकदम हिट था। बस छाते की इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, अब मैं छाते के लिए नया आइडिया सोचूंगा। बस इस बार आइडिया के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, अच्छा होगा। अरे चुप कर, अगर नहीं कर सकता ना तो प्लीज कुछ आइडिया दे दे यार। बस ये रोहित है ना, रोहित दरवाजे पे आए भिखारी को कभी खाली हाथ जाने नहीं देता। मतलब आपको आइडिया चाहिए ना? ये रोहित देगा आपको आइडिया। रोहित तेरा दिमाग तो अच्छे से चलने लगा। हाँ वांट बॉस, अब तो मोनिका 100% इम्प्रेस। मोनिका मजा आ रहा है। Want to, yes, so sweet. क्या हुआ बॉस? मारा क्यों? तेरे प्लान में थोड़ी गड़बड़ है, पर मैं उसे दूर कर सकता हूँ। इससे मेरा प्लान फुल प्रूफ ही नहीं, वाटर प्रूफ भी हो जाएगा। पूछो प्रचंडिका, इससे जो पूछना है पूछो, हर सवाल का जवाब देगा ये।
बताओ सोच, बताओ मुझे ऐसा तरीका जिससे बालवीर का अंत होता है। तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो प्रचंडिका? तुम तो सिर्फ बालवीर के दिमाग से तेज सोचना चाहती थी, उसकी दिमागी शक्ति को मात देना चाहती थी तुम, फिर ये बालवीर के अंत का सवाल क्यों? मेरा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए बनाए, किसी के मारने वारने के लिए नहीं बनाए। प्रचंडिका, अगर मैं बालवीर के दिमाग की तरह सोचकर कार्य करूंगा तो तुम भी प्रचंडिका के दिमाग की तरह ही सोचूंगी ना प्रचंडिका। और यह समझने के लिए मुझे किसी महासंगणक यंत्र की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अपने जीत के घमंड में मुझे यहाँ जरूर बुलाओगे, और बाकी सब की तरह मेरे दिमागी शक्ति को भी प्राप्त करने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैं अपने दिमागी शक्ति के साथ परी लोक की हर परी की दिमागी शक्ति को ग्रहण करके यहाँ आ गया था। महासंगणक यंत्र हो या कुछ और, किसी भी वस्तु की कुछ भी ग्रहण करने की एक तय सीमा होती है। जैसे कि अगर एक उपकरण में उसकी सीमा से कुछ ज्यादा डाल दिया जाए तो वो बाहर निकल आता है, और वैसे ही बिजली, अगर बिजली को ज्यादा चलाया जाए तो वो खराब हो जाती है। बस बालवीर, आप प्रचंडिका का महासंगणक यंत्र क्यों ना, अगर हम सब परियां मिलकर अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ उसमें डाल देंगे तो उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। हम सब परियां अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ मिलकर बालवीर को देंगे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। मस्तिष्क का बनाया हुआ सोच ये सोच भी नहीं पाया कि वो मेरी दिमागी शक्ति के साथ साथ परीलोक की हर परी की दिमागी शक्ति को भी अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। और देखो, जैसे ही उसने अपने अंदर दिमागी शक्तियों को समा पाने की सीमा को पार किया, वो जलकर नष्ट हो गया। तो अब तुम ये समझ गई ना प्रचंडिका, दूसरों की दिमागी शक्तियों को प्राप्त करके तुम खुद बुद्धिमान कभी नहीं बन सकती। अपनी इस जीत को आखिरी जीत समझना पाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग से जो अगली चाल निकलेगी पृथ्वी और परी लोग दोनों के लिए खतरनाक साबित होगी। संभालिए अपने आप को, आइए। थैंक यू सो मच पूजा, कम से कम तुम तो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो सिलेक्टेड फॉर भटका थी परी। चलो नी, अब तुम नटखट परी का ऑडिशन दो। हाँ, क्षमा करना भटका थी परी, पर हमारा तो नाम ही नटखट परी है। अगर हम शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये तो बस थोड़ा निर्मल आनंद है, इसका मजा लीजिए, शिकायत मत कीजिए। वाओ सलोनी, तूने तो नटखट परी के कैरेक्टर को एकदम सही पकड़ा है। थैंक यू। मानव, डायरेक्टर कौन है, तू या मैं? बीच में बोला ना तो पीट दूंगी। क्या हुआ महेश, मैंने ठीक नहीं किया क्या? नहीं सलोनी,
नहीं, तुमने ठीक नहीं किया बल्कि तुमने परफेक्ट किया। You're selected for नटखट परी। मेर, तूने मेरा ऑडिशन तो लिया ही नहीं। देख मनीष, सिर्फ डरी परी का रोल बचा है, तू करेगा डरी परी का रोल? वैसे मुझे डर तो नहीं लगता, पर अगर ये डरपोक मानव मुझे डरना सिखा देगा तो मैं जरूर करूंगा। तेरी तो मुझे डरपोक बोलता है। मानव नहीं, मेर मुझे मेरी स्क्रिप्ट तो दे। अरे हाँ एक मिनट। अरे ये तो बहुत आसान है, ये लो। बोलो। हमें बहुत डर लग रहा है रानी परी, अगर बालवीर अकेले गुरुदेव के सामने गए और गुरुदेव ने उनपे आक्रमण कर दिया तो। वाह मनीष, ब्रिलियंट। यस। अरे चिट्टू, मोंटू बॉस को ऊपर उछले हुए कितना टाइम हो गया, अब तक नहीं आए। हाँ इसलिए तो चेस खेलता है। चिट्टू मैं क्या कहता हूँ कि मोंटू बॉस का शोक सभा का इंतजाम करने का टाइम आ गया है। ए शुभ शुभ बोल, क्या बोलता है, चलेगा? हाँ चलेगा। ए मोंटू बॉस, ये कहाँ से निकला था, वो क्या गया? कहाँ से? इस गधे ने ना वो जो वेट एडजस्ट करने वाला मीटर था ना उसको इतना एडजस्ट कर दिया कि मैं सीधा उछल के स्कूल के पीछे वाले कचरे के डिब्बे में गिरा। और तू चिट्टू के बच्चे, तेरा गैंग भी तेरे जैसा बेकार निकला। कुछ काम का नहीं है तू, तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी है मुझे ही सोचना पड़ेगा। क्या मस्त लग रहा है, ये है क्या? ये इसे हार्नेस कहते हैं और ये ना शूटिंग में यूज करते हैं। मेरे पापा का एक फ्रेंड है ना वो शूटिंग में काम करता है, मैंने उस अंकल से ये मंगवाया है। शाबाश मुंडवास। ये ले बॉस, इस वॉकी टॉकी का क्या काम, हम तो यहाँ पास में ही है। अरे बेवकूफ, जब स्टेज पे नाटक चालू होगा तब मैं स्टेज पे रहूंगा और तुम लोग बैक स्टेज पे रहोगे ना, तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देने वाली है इसके लिए। और हम स्टेज की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ना, तो वॉकी की भी अभी करेंगे, समझे? हाँ इंटेलिजेंट है बॉस, इंटेलिजेंट। अब जाओ और मुझे खींचो। हाँ लग रही है प्रचंडी का बहुत ही खतरनाक, होके नहीं आसानी से खुश। पर हूं मैं भी महान बलशाली शक्तिशाली योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी। खिलाऊंगा ये बालवीर को बारह गोली और छा जाऊंगा प्रचंडिका के सामने, फिर होकर खुश हो बनाएगी मुझे अपना प्रधान, बनाएगी प्रचंड लोक का राजा। होगा मेरा ऐसा ही छोटा सा सिंहासन जिस पर बैठूंगा मैं बड़ी शान से। बुढ़ी पापा बालवीर अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा। रानी परी, लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा, अगर बोलूंगा मैं ऐसे तो होगा सबको शक मुझ पे, अब बोलता हूँ मैं थोड़ा बुरा। हाँ रानी परी, लेकर आया हूं मैं संदेशा आपके लिए। बाबा वो रहा बुराई का और हमारा दुश्मन बालवीर, लेकिन अभी इसको हमारा दुश्मनी बहुत महंगा पड़ने वाला है। रानी परी, लेकर आया हूं मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। ए मनु,
और इधर क्या करता अकेला अकेला? खबरदार, पता चल गया है हमें तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में। नहीं होने दूंगा कामयाब मैं तुम्हें, दूर रहो मुझसे। उड़ी बाबा, इसको कैसे पता चल गया हमारा स्कीम का बारे में? अब इधर से भागने में ही भलाई है। बंधु बोलो, ऐसा कैसे तुम बात करते है तुम? देखो तुमको हमारा बात पसंद नहीं है तो हम चला जाते हैं इधर से। रुको, नहीं कहता जब तक मैं कहीं नहीं जाओगे तुम। कैसा लगा मेरा अभिनय? अरे पता नहीं है तुम्हें, कर रहा हूँ मैं अपने डुबा डुबा पात्र का अभ्यास। अरे बालवीर और परियों के नाटक में निभाना है मुझे डुबा डुबा का पात्र। तो हम बच गया, मतलब बचा के लाया है स्पेशल चटाकेदार चूरन का गोली तुम्हारे लिए। इसको खाएगा तो खाया पिया सब खत्म हो जाएगा। लाओ मुझे। ए रुको, ये बड़ा वाला गोली खाओ, इसको खाएगा ना तो आधे सेकंड में सब हजम हो जाएगा। ये लो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.